सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़े गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए, सिर्फ पैसों से होता नहीं मुनाकिद, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए। सिर्फ पैसों से होता नहीं मुनाकिद, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए। जितनी खामोशी के साथ समाअत कर रहे हैं, आपकी समाअत का ये मेयार तो नहीं। नबी की नात के अशआर सुनने के बाद फरिश्ते भी सुभान अल्लाह कहने में फख्र महसूस किया करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके मुकद्दर का सितारा औजे सुरैया पर पहुंचता हुआ नजर आए? शायर कहता है कि इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं, इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। आला शाह अलैहि रहमा के बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ कि सामने हो आपका दरबार उठते बैठते, सामने हो आपका दरबार उठते बैठते, और मैं करता रहूं दीदार उठते बैठते, सामने हो आपका दरबार उठते बैठते, और मैं करता रहूं दीदार उठते बैठते, और ऐ तबीबों, ऐ तबीबों आओ तुम भी मांग लो बहरे शिफा, ठीक होते हैं यहाँ बीमार उठते बैठते, ठीक होते हैं यहाँ बीमार उठते बैठते, ऐ तबीबों आओ तुम भी मांग लो बहरे शिफा, ऐ तबीबों होते हैं यहाँ बीमार उठते बैठते। वहीं जावेद सिद्दीकी गोंडवी के एक शेर याद आते हैं, याद आता है मुझे कि उन्होंने कहा था कि नजर पड़ते ही रोजे पर हटाना भूल जाता हूँ, नजर पड़ते ही रोजे पर हटाना भूल जाता हूँ, तेरे दरबार में आकर जमाना भूल जाता हूँ, नजर पड़ते ही रोजे पर हटाना भूल जाता हूँ, तेरे दरबार में आकर जमाना भूल जाता हूँ, और मेरी दीवानगी ये शौक को सजदा न कह देना, मैं जब भी सर झुकाता हूँ उठाना भूल जाता हूँ, मैं जब भी सर झुकाता हूँ उठाना भूल जाता हूँ, मेरी दीवानगी ये शौक को सजदा न कह देना, मेरी दीवानगी ये शौक को सजदा न कह देना, मैं जब भी सर झुकाता हूँ उठाना भूल जाता हूँ, नजर पड़ते ही रोजे पर हटाना भूल जाता हूँ, तेरे दरबार में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मेरी दीवानगी ये शौक को सजदा न कह देना, मैं जब भी सर झुकाता हूँ उठाना भूल जाता हूँ। कि जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नल्लन चचा शेर सुनिएगा, कि जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरों से अलग रखा है, नाशरीफ के बिल्कुल खालिस शेर समाप्त कीजिए, कि जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरों से अलग रखा है, और एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। और गालिब की एक जमीन थी कि इश्क में दूरियां जरूरी हैं। शायर ने शेर कहा कि जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरों से अलग रखा है, और एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, और फासला फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला
इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। नाते सरकार का हक किससे अदा होता है, नाते सरकार का हक किससे अदा होता है, एक बंदे से कहीं कारे खुदा होता है। नाते सरकार का हक किससे अदा होता है, एक बंदे से कहीं कारे खुदा होता है। और बात तो जब है कि हो दिल में मदीना प्यारे, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। बात तो जब है कि हो दिल में मदीना प्यारे, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। तो आइए, मैं देख रहा हूं कि आपके समातें बेदार हैं और आपकी समातों का जो मेयार है, आप जिस मेयार में समात करते हैं, सुनते हैं, आप उसी रंग में आ चुके हैं। तो बगैर किसी तमहीदी गुफ्तगू किए मैं आज के इस खूबसूरत और शानदार ऑल इंडिया नातिया मुशायरे के शोराए-ए-इकराम की फेरिस्त के गुलदान से एक खूबसूरत फूल को फूल का इंतखाब करता हूं, जिन्हें हम और आप बुलबुले बागे मदीना वासिफे शाहे हुदा अजीजम अबू दानिश अशरफी के नाम से जानते और पहचानते हैं। मैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशआर से हम तमाम सामईन को नवाजें। आप सुनने के मूड में हैं? हैं तो एक मरतबा दोनों हाथों को बुलंद करके कहें या रसूल अल्लाह। शायर कहता है, मैं इन्हीं मिसरों के साथ अबू दानिश अशरफी का इस्तकबाल करता हूं कि किस्मत से अगर दामने सरवर नहीं मिलता, किस्मत से अगर दामने सरवर नहीं मिलता, जन्नत नहीं मिलती हमें कौसर नहीं मिलता, किस्मत से अगर दामने सरवर नहीं मिलता, जन्नत नहीं मिलती हमें कौसर नहीं मिलता। और जो जुल्म और सितम सह के भी दुश्मन को दुआ दे, ऐसा तो किसी कौम में रहबर नहीं मिलता। पढ़ेंगे नाते मुकद्दस को झूम कर शायर, पढ़ेंगे नाते मुकद्दस को झूम कर शायर, बड़ा अजीब सा यारों वो आईना होगा। पढ़ेंगे नाते मुकद्दस को झूम कर शायर, बड़ा अजीब सा यारों वो आईना होगा। और खुदा ने चाहा तो एक रोज देखना रिजवान तुम्हारी खुल्द के अंदर मुशायरा होगा। खुदा ने चाहा तो एक रोज देखना रिजवान, खुदा ने चाहा तो एक रोज देखना रिजवान तुम्हारी खुल्द के अंदर मुशायरा होगा। खुदा ने चाहा तो एक रोज देखना रिजवान तुम्हारी खुल्द के अंदर मुशायरा होगा। और जब शहरे कानपुर की बात आती है तो मुझे एक बेचैनी और बेकरारी सी होना शुरू हो जाती है। हजरत अल्लामा मौलाना लतीफ अहमद साहब क़िबला सिराजी मिंबरे रसूल पे तशरीफ फरमा है। हजरत शहरे कानपुर में एक मिसरा निकला था कि तारों की ये जिद है कि सहर होने ना देंगे, तारों की ये जिद है कि सहर होने ना देंगे। 10 साल के एक लड़के ने मिसरा लगाया था, 10 साल के एक लड़के ने मिसरा लगाया था और मुशायरा वहीं खत्म हो गया था। कद्दावर असद-ए-इकराम मिंबरे रसूल पे तशरीफ फरमा थे, मिसरा था कि तारों की ये जिद है कि सहर होने ना देंगे। 10 साल के लड़के ने मिसरा लगाया कि जब तक ना उठे सैयदा जहरा का जनाजा, तारों की ये जिद है कि सहर जब तक ना उठे, जब तक ना उठे सैयदा जहरा का जनाजा, जब तक ना उठे सैयदा जहरा का जनाजा, जब तक ना उठे सैयदा जहरा का जनाजा, तारों की ये जिद है कि सहर होने ना देंगे, तारों की ये जिद है कि सहर होने ना देंगे, जब तक ना उठे सैयदा जहरा का जनाजा, तारों की ये जिद है कि सहर होने ना देंगे।
सरकारों की ये जिद है कि शहर होने न देंगे। मैं अक्सर बेशतर जब घर के काम भी किया करता हूँ तो ये शेर पढ़ा करता हूँ, और जब भी मैं ये शेर पढ़ता हूँ तो मेरे शरीर के एक एक बाल खड़े हो जाते हैं, मेरी रूह कांपना शुरू हो जाती है, पूरा बदन कांपना शुरू हो जाता है, एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। मैं मखदूमा के हवाले से एक शेर और पढ़ता हूँ कि हसन हुसैन के दीवारों दर में रहती हूँ, हसन हुसैन के दीवारों दर में रहती हूँ, कसम खुदा की मैं जन्नत नगर में रहती हूँ, और हया से जो पूछा कहाँ मकान है तेरा, बोली फातिमा जहरा के घर में रहती हूँ। हया से जो पूछा कहाँ मकान है तेरा, 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 बोली फातिमा जहरा के घर में रहती हूँ, हसन हुसैन के दीवारों दर में रहती हूँ, कसम खुदा की मैं जन्नत नगर में रहती हूँ, हया से जो पूछा कहाँ मकान है तेरा, बोली फातिमा जहरा के घर में रहती हूँ, बोली फातिमा जहरा के घर में रहती हूँ। आइए अब इसी बेदारी के माहौल में आपकी मुलाकात एक ऐसे मद्दाह रसूल से कराऊं जो आज के इस खूबसूरत ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का सबसे छोटा मद्दाह रसूल है। आप समझदार हैं, आप खुद समझ गए होंगे कि मैं किस मद्दाह रसूल को आपकी समातों तक लाना चाहता हूँ, और आप ज्यादा कश्मकश में ना हो। जिस शायर की, जिस मद्दाह रसूल की मैं बात कर रहा हूँ वो उम्र के एतबार से सबसे छोटा है, न कि कद के एतबार से। सबसे कम उम्र का मद्दाह रसूल आज के हमारे इस खूबसूरत मुशायरे का अजीजम हामिद वारसी बनारसी, और कद के एतबार से सबसे छोटा मद्दाह हबीबे किबरिया शायरे मुल्क हिंदुस्तान हजरत असीर बनारसी साहब जी की आप ज़ियारत कर रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और हामिद वारसी बनारसी को आपके हवाले, आप सुनने के मूड में हैं तो एक मतबा दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करें और कह दें या हुसैन, और बुलंदी के साथ कह दें या अली। कुछ दिनों पहले मुमताज तांडवी ने एक शेर पढ़ा था कि मिटाने जुल्मो सितम का गुरूर निकलेगा, घटा को चीर के सूरज जरूर निकलेगा, और जहां जहां हुसैन ने रखी है अपनी पेशानी उसी जमीन के जर्रे से नूर निकलेगा, उसी जमीन के जर्रे से नूर निकलेगा। तो जब ये जमीन शहरे बनारस की गलियों में सफर करती है तो शहरे बनारस का एक उभरता हुआ लहजा कहता है कि दुरूदे पाक लबों पर सजा के निकलेगा। बड़े भाई मोहतरम ऐमन मोहम्मदाबादी की दुआएं लेता हुआ ये शेर पहुंचाता हूँ कि दुरूदे पाक लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। अपने नौजवान दोस्तों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, शेर बिल्कुल गौर से सुनिएगा कि दुरूदे पाक लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा, और नबी का इश्क, नबी का इश्क वो बहता हुआ समुंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समुंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बुलबुले बागे मदीना सना खाने हबीबे किबरिया अजीजम हामिद वारसी बनारसी से कि वो तशरीफ लाए, क्योंकि इस वक्त आपको रियाज नोमानी की नहीं बल्कि हामिद वारसी बनारसी की है जो आप। अब ये मजमा और खूबसूरत हो गया माशाल्लाह। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा था कि उस पे हरदम करम हुसैन का है,
बड़े भाई नूर अहमद नूर खलीलाबादी, शोएब वारसी कानपुरी, अजमत मुजफ्फरपुरी, ऐमन मोहम्मदाबादी, इन तमाम तर अपने बिरादरान की दुआएं लेता हुआ ये शेर आप तक पहुंचाता हूं कि पाकिस्तान के शायर ने कहा था कि उस पे हरदम करम हुसैन का है, जिसके सीने में गम हुसैन का है, उस पे हरदम करम हुसैन का है, जिसके सीने में गम हुसैन का है, और आसमां सर उठा के देखता है, इतना ऊंचा अलम हुसैन का है, आसमां सर उठा के देखता है, आसमां सर उठा के देखता है, इतना ऊंचा अलम हुसैन का है। तो इसी जमीन में हिंदुस्तान के एक शायर ने कहा कि वो देखो नोके सेना पे सफर हुसैन का है, वो देखो हाफिज़ शेर सुनिएगा कि वो देखो नोके सेना पे सफर हुसैन का है, जहां किसी का नहीं है गुजर हुसैन का है, वो देखो नोके सेना पे सफर हुसैन का है, जहां किसी का नहीं है गुजर हुसैन का है, और हजारों सर है नमाजें जिन्हें बचाती है, हजारों सर है नमाजें जिन्हें बचाती है, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है, और यजीदियत जो कहीं मुंह छुपाए बैठी है, खुदा का खौफ नहीं उसे डर हुसैन का है, यजीदियत जो कहीं मुंह छुपाए बैठी है, खुदा का खौफ नहीं उसे डर हुसैन का है। बहुत ही सलीके से माइक से मुनकता हुए आपकी खूबसूरत समातों से रुखसत हुए बिरादरे असगर अजीजम हामिद वारसी बनारसी। अब मैं एक ऐसे मद्दाहे रसूल को आपकी समातों तक लाना चाहता हूँ जो आज बड़ी ही कामयाबी के साथ और बड़ी मोहब्बतों के साथ आपके शहर बनारस की नुमाइंदगी मुल्क हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में करता हुआ नजर आ रहा है। शहर बनारस का वो उभरता हुआ नौजवान लहजा जिन्हें हम और आप बुलबुले बागे मदीना वासिफ शाह हुदा अजीजम सकलैन वजाहत इस्माइली के नाम से जानते और पहचानते हैं। मैं उनके इस्तकबाल में एक शेर पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले पूरा मजमा दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करे और कह दे या अली। और अभी कुछ हाथ बाकी हैं, मुझे लग रहा है कि उन्हें ठंड लग रही है, जिन्हें ठंड नहीं लग रही वो दोनों अपने दोनों हाथों को बुलंद करके कहे या अली। माशाल्लाह। मालेगांव के शायर ने कहा कि मौलाए कायनात को जो मानता नहीं, अब देखना ये है कि कौन कौन मजमे में मौलाई बैठा है। शेर बताऊं कि मौलाए कायनात को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है कुछ जानता नहीं, मौलाए कायनात को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है कुछ जानता नहीं, और तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, मौला कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, मौला कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। और रद्दी के भाव भी न खरीदूं मैं वो किताब जिसमें आली के घर का कहीं तज़किरा नहीं, रद्दी के भाव भी न खरीदूं मैं वो किताब जिसमें आली के घर का कहीं तज़किरा नहीं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बुलबुले बागे मदीना वासिफ शाह हुदा अंदलिबे गुलशन रिसालत अजीजम सकलैन वजाहत इस्माइली से कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशआर से हम तमाम सामईन को नवाज़े।